नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय और आप देख रहे हो चिन्मय द ब्लॉग। आज के सफर पे निकल गया हूँ और आज का सफर होगा पूरी दिल्ली घूमना है 50 रुपए में। दिल्ली के हर बॉर्डर पे जाने की कोशिश करेंगे बाय बस। और बस स्टॉप पे पहुँच गया हूँ मैं, देख पा रहे होंगे मेरे पीछे बस स्टॉप है। और यहाँ से निकलेंगे बदरपुर से, फिर देखेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। गाइस बस में बैठ गया हूँ, देख पा रहे होंगे, मगर भीड़ के वजह से सीट नहीं मिला, मगर चलेंगे ऐसे ही। जो आप सोचते हो वो आपके साथ कभी होता नहीं है, ऐसा ही मेरे साथ अभी हुआ है। और मैं सोच रहा था 50 रुपए में पूरी दिल्ली घूमूंगा, मगर होगा नहीं ऐसा। तो आगे बने रहिएगा, तो आगे चल के बताएंगे। और मैं फाइनली पहुंच गया हूँ, ये बदरपुर बॉर्डर है, देख पा रहे होंगे चारों तरफ मैं जहाँ पे अभी हूँ। ये एरिया फरीदाबाद का एरिया है और यह हरियाणा में पड़ता है। और ठीक ये टोल बूथ है, टोल बूथ के उस पार दिल्ली है। तो मैं अभी यहाँ से निकलूंगा आगे। गाइस अभी बदरपुर से हम लोग आनंद विहार के लिए बैठ चुके हैं और देख पा रहे होंगे यहाँ पे लोग बैठे हुए सारे, और काफी भीड़ है बस में। और मुझे लगता है जो आज का जो सफर है ना, 12 घंटे में पूरी दिल्ली घूमना नहीं हो पाएगा क्योंकि काफी भीड़ है। और 2 घंटे में मात्र अभी आनंद विहार पहुँचने वाला हूँ, आधा घंटा और लग जाएंगे। और भीड़ बहुत है यहाँ पे, और सर जी ने अभी बताया जो 12 घंटे में दिल्ली घूमना नामुमकिन है ना, बहुत ही मुश्किल है, जाम ज़्यादा है दिल्ली में इसी वजह से। मगर कोशिश तो करूँगा, मगर आज पूरे 16 घंटा लग जाए, मगर घूम के जैसे भी हो करना है, कंप्लीट करना है आज, और फिर दूसरे नेक्स्ट सफर पे निकलेंगे। तो बने रहो ब्लॉग में अभी। और मैंने 50 का टिकट भी बना लिया है। आज अभी आनंद विहार पहुँच गया हूँ, और इधर है यूपी के बस अड्डा, और इस साइड में है दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डा। और अभी यहाँ से निकलेंगे, और टाइम काफ़ी कम है, रियल में बता रहा हूँ काफ़ी कम है टाइम, और मात्र 20 किलोमीटर ही चल पाया हूँ। और अभी कम से कम 200 किलोमीटर रोड चलना है, और कैसे चलना है मुझे पता नहीं है, और लेट हो सकता हूँ काफ़ी। और बने रहो ब्लॉग में, और इधर का नज़ारा देख सकते हैं, यूपी के बस अड्डा है, और इस साइड में है ये आनंद विहार का बस अड्डा जो दिल्ली का अंडर में है। सफ़र काफ़ी मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। तो आगे बढ़ता हूँ, अभी यहाँ से कहाँ निकलना है नीचे जाके बताऊँगा आप लोगों को। फाइनली दोस्तों बस में बैठ गया हूँ आनंद विहार से। गाइस ये लोनी गोल चक्कर है, और यहाँ तक पहुँच गया हूँ, देख पा रहे होंगे पीछे लिखा हुआ है। तो यहाँ से आगे जाना है, और सफ़र का अभी आधा अभी नहीं हुआ है, अभी सोच सकते हो मतलब 3/3 में से 1/3 हो गया है। मैं अभी बख्तबापुर के लिए बैठ गया हूँ यहाँ से, और फिर वहाँ पे जाके मिलते हैं आप लोगों से। भाई ये करनाल का बाईपास है, और देख पा रहे होंगे यहाँ पे एरिया, और यहाँ से भी अभी चलेंगे, बस आ रही है, बस से ही चलना है मुझे। और सफ़र का आधा हिस्सा भी अभी पार नहीं हुआ है, पता नहीं कब पार होगा, और टाइम बीतता जा रहा है, और काफ़ी भीड़ है, कसम से काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और मतलब क्या ही बताऊँ, देख पा रहे होंगे चारों तरफ लोग ही लोग हैं। तो सफ़र जारी है, कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। गाइस फाइनली सिंधु बॉर्डर पहुंच गया हूँ, देख पा रहे होंगे यह हरियाणा का एंड है, और आगे जाएंगे तो दिल्ली है, इस तरफ हरियाणा का बॉर्डर है सिंधु बॉर्डर, और आगे यहाँ से दिखाई दे रहा होगा बॉर्डर। यहाँ पे धूप है यार काफ़ी अच्छा खासा, और मज़े आ रहे हैं सही में। दिल्ली बॉर्डर का आखिरी एरिया है हरियाणा का, तो यहाँ से अभी चलने का टाइम आ गया है। गाइस अभी पहुँचते हैं अगले स्टॉप पे, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो कमेंट जरूर करना कैसा लग रहा है ये, और काफ़ी अच्छा है यार एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा हो रहा है, आगे जाके बताऊँगा, एंड तक बने रहिएगा। अभी यहाँ से निकलने वाला हूँ टिकरी बॉर्डर, तो यहाँ से घूमते हुए चलेंगे और मिलते हैं टिकरी बॉर्डर पे। गाइस बॉर्डर पहुँच चुका हूँ, देख पा रहे होंगे मेरे पीछे लिखा हुआ है नाम, मेट्रो स्टेशन पहुँच गया हूँ, और बस से ही आया हूँ मैं। और बात यह है मैं अभी आगे नहीं जाऊँगा, बॉर्डर के आगे उस तरफ नहीं जाऊँगा, यहाँ से मुड़ना है, क्योंकि मैं मुझे दोबारा इस रास्ते से नहीं जाना है। अभी जाएंगे इस रास्ते से, अभी जाना है नजफगढ़ जाना है मुझे, तो नजफगढ़ के लिए यहाँ से बस पकड़ेंगे और चलेंगे। और काफ़ी देर हो गया यहाँ पे पहुँचते पहुँचते, मतलब 3 घंटा लग गए। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं नजफगढ़ पे। नजफगढ़ पहुँच गया हूँ, और अभी यहाँ से जाना है आगे, तो बने रहो ब्लॉग में। अभी शाम हो गया है, 6:30 बजने वाले हैं, और शायद लेट हो जाऊँगा आज, कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, मगर कोशिश करूँ। और अभी चलना है मुझे कापासरा बॉर्डर, वहाँ पे चल के मिलते हैं आप लोगों से, और देखते हैं अभी बस कौन सा मिलता है यहाँ से।
गाइज ये नजफगढ़ के बस स्टॉप के पास में ये मंदिर है और ये राधे कृष्ण जी का मंदिर है और इसमें माथा टेकते हुए आगे चलते हैं। गाइज अभी मैं कापासरा बॉर्डर के पास पहुंच गया हूँ, बस यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, मगर मैं इधर नहीं जाऊंगा क्योंकि बस की रूट दूसरे साइड में है। तो ये रेड लाइट दिखाई दे रहे है, तो इधर से ही मैं मुड़ जाऊंगा और इधर से इस साइड में है कापासरा बॉर्डर और इस साइड में मुझे उल्टे साइड में जाना है। तो गाइस देख पा रहे होंगे ये है कापासरा बॉर्डर का रोड, मेन रोड है और इधर कापासरा बॉर्डर जाना है। तो मुझे इधर से जाना है अभी छतरपुर, तो यहाँ से चलेंगे छतरपुर, तो बने रहो ब्लॉग में। और गाइस अभी भी बहुत भीड़ है दिल्ली में, काफ़ी देख सकते हो चारों तरफ ना आना जाना कर ही रहे है सही में यार। और अभी निकल रहा हूँ यहाँ से छतरपुर और छतरपुर से फिर अपने रास्ते चलेंगे। गाइज अभी महिपालपुर पहुँचा हूँ और यहाँ से चेंज करना होगा मुझे अपना दिशा, क्योंकि मेरा बैटरी हो गया लो और मैंने कोई सिस्टम लाया नहीं चार्ज करने के लिए। तो बने रहो ब्लॉग में, मिलते हैं रूम पे। गाइज इस सफर में काफ़ी मज़ा आया और मैं फाइनली घर पे पहुँच गया हूँ और देख पा रहे होंगे ये दिल्ली का कुछ सीने हैं जो आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस सफर को कम्प्लीट नया करने का बजा रहा ये भीड़, और मेरा मोबाइल कभी भी मेरे को आज तक धोखा नहीं दिया कि ये 12 घंटा कंप्लीट रहता है और आज भी मेरे साथ 12 घंटा था ये, बट ये भीड़ के कारण मैं कर नहीं पाया इस सफ़र को कंप्लीट, मगर आगे भी ऐसा सफ़र जारी रखूँगा और इसको कंप्लीट करके दिखाऊँगा। और आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और दिल्ली के चारों तरफ फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर बन रहे हैं क्योंकि दिल्ली के भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फ्लाईओवर की सख्त ज़रूरत है और यहाँ पे दिल्ली पे काम भी बहुत है। और इसी भीड़ के वजह से यहाँ पे दिल्ली के अंदर खास करके यहाँ पे ये कचरे का ढेर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको देख के आप सोच सकते हो कितना दिन में ये कचरा भरा होगा। तो ये कचरा हमारा ही देन है, हम ही लोग यहाँ पे फैलाते हैं, तो इसका जिम्मेदारी भी हमें लेना चाहिए और इसको कम करने के लिए सोचना चाहिए। तो आप लोग सोचिएगा ज़रूर जो ये कचरे को कैसे कम किया जाए, नेता लोगों के भरोसे रह जाएंगे तो होगा नहीं, मगर इसको ख़त्म करना हमारा जिम्मेदारी है। और जो भी यहाँ पे मजदूर लोग काम करते हैं, ये ड्राइवर लोग काम करते हैं, उनको सैल्यूट मेरे तरफ से। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।